हेलो गाइस। सो अब हम देखते हैं हमारे पास और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है? दे आर थ्री स्टूडेंट्स, ओके, नितिन, पलाश एंड पलक। यहाँ पे क्या है, नितिन स्टडी इन ऋषिराज कॉलेज, पलाश एंड पलक आर फ्रॉम प्रेस्टीज कॉलेज। नितिन एंड पलाश आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, पलक इज डूइंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नितिन फ्रेंड्स आर पलाश एंड पलक। ऋषिराज कॉलेज इज लोकेटेड इन इंदौर, प्रेस्टीज कॉलेज इज लोकेटेड इन उज्जैन। एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन प्रेस्टीज कॉलेज ओनली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन ऑल कॉलेजेस। सो मेरे पास ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है और ये डाटा मुझे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है। सो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको मैंने अभी तक जितना बताया कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट एरे, और इसके पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया है व्हीकल वाला, जिसमें हमारे पास कार और बाइक थी, उस हिसाब से आप सोचिए कि ये डाटा आप कैसे स्टोर करेंगे। सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करना है ना। सो आप एक बार ट्राई करिए, अगर आप फेल होते हैं तो फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखिए, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ क्या, एक ही वेरिएबल में मुझे पूरा का पूरा डाटा स्टोर करना है, तो मैंने वेरिएबल डाटा बनाया, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास देयर आर थ्री स्टूडेंट्स, ओके। सो मेरे पास यहाँ पे एरे बनेगा क्योंकि मल्टीपल मेंबर्स है ना। अब वापिस से मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट है नितिन, है ना, तो ये पर्सन है ना, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ नितिन, है ना। सेकेंड ऑब्जेक्ट भी पर्सन है तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ पलाश, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट भी पर्सन है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ पलक। इनकी इंफॉर्मेशन और कौन सी मिल रही है मुझे, नितिन एंड पलाश आर मेल एंड पलक इज फीमेल। सो ये मैं अपने हिसाब से ही ऐड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं ये आप करो, बट मैं अपने हिसाब से एक जेंडर ले लेता हूँ और इसको मैंने दे दिया मेल, ओके, और इन दोनों को भी मैंने जेंडर दे दिया। तो जितना ज़्यादा आपके दिमाग में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टीज और मैं ऐड कर सकता हूँ, तो वो सब आप ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट है एरे और ऑब्जेक्ट वाला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नितिन स्टडी इन ऋषिराज कॉलेज, ओके। सो ये नितिन की प्रॉपर्टी हुई, कौन सी, ऋषिराज कॉलेज वाली। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रॉपर्टी बनाई कॉलेज नाम से, है ना, और यहाँ पे ये क्या है, कॉलेज, ऋषिराज कॉलेज है, ठीक है। अब ऋषिराज कॉलेज है तो मैंने यहाँ पे कॉलेज में लिख दिया ऋषिराज, ओके। अब मेरे पास और भी चीज़ है, पलाश एंड पलक आर फ्रॉम प्रेस्टीज कॉलेज। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, पलाश एंड पलक के लिए मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया प्रेस्टीज, है ना। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, पलक इज डूइंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये है नेक्स्ट चीज। नितिन एंड पलाश आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो इनका जो कोर्स है वो क्या हो गया, CSE, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें भी ऐड कर दिया, ठीक है, और पलक के लिए मैंने ऐड कर दिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्योंकि पलक इज डूइंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नितिन फ्रेंड्स आर पलाश एंड पलक, ओके, नितिन है, इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नितिन के फ्रेंड्स है पलाश एंड पलक, यहाँ पे दो आइटम हो गए, है ना। तो जैसे ही मल्टीपल आइटम्स होंगे उनको अगर मेरे को कलेक्ट करना है तो मुझे एरे बनाना होगा, तो यहाँ पे मैं एक एरे बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे बन सकता है और एरे के अंदर भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जैसे ये एरे है पेरेंट लेवल पे, उसके अंदर अपन ने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑब्जेक्ट बनाए हैं, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी के अंदर हम एरे बना सकते हैं, ठीक है। अब इस एरे में क्या आएगा, पलाश एंड पलक, ये मैंने स्टोर कर दिया। ऋषिराज कॉलेज इज लोकेटेड इन इंदौर, अब ये जो ऋषिराज कॉलेज है ना वो इंदौर में लोकेटेड है। अब ये मेरे पास नई इंफॉर्मेशन आई, किसकी, ऋषिराज कॉलेज की। तो अभी तक मेरे पास सिंगल इंफॉर्मेशन थी तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था ऋषिराज, ओके। अब ऋषिराज कॉलेज में भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, तो वेन वन आइटम हैज मल्टीपल इंफॉर्मेशन तो हम क्या बनाते, एक ऑब्जेक्ट बनाते। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऋषिराज को, जिसमें जो नाम था ऋषिराज कर दिया मैंने,
और इसके अलावा एक और चीज थी इसमें, लोकेशन जो अब मुझे अभी अभी मिली है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंदौर, है ना। अब वैसे ही प्रेस्टीज की भी इंफॉर्मेशन है, सो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी दबाता हूँ, ठीक है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वीएस कोड है इसलिए मैं दोनों को साथ में एडिट कर सकता हूँ। मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे एंटर किया, नेम प्रेस्टीज हो गया और कोमा लगा के यहाँ पे लोकेशन बना दी। यहाँ पे सिंटेक्स में कोई एरर मत करना, कोमा हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें पहली प्रॉपर्टी और वैल्यू के बाद हम कोमा लगाते हैं और लास्ट वाले में हम कोमा नहीं लगाते, ठीक है। लोकेशन मैंने डाल दिया उज्जैन, ठीक है। अब एक और चीज हमें क्या करनी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन प्रेस्टीज कॉलेज ओनली। सो प्रेस्टीज कॉलेज की एक और इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो प्रेस्टीज कॉलेज कहाँ है, मेरे पास यहाँ पे है। सो इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट्स में ऐड कर देता हूँ, डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे एरे बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एक कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यानी कि AAC में इसको शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो मेरा प्रेस्टीज कॉलेज का हो गया, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन ऑल कॉलेजेस। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो सभी कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिख दिया, ठीक है। सो यही इंफॉर्मेशन भी हर कॉलेज में होगी, तो ऋषिराज कॉलेज में भी होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एक और चीज क्या कर सकता हूँ मैं, ये प्रेस्टीज कॉलेज में AAC भी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेस्टीज कॉलेज है, ठीक है गाइस। सो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो CAC है ये भी एक कोर्स होता है ना, तो ये CAC नितिन कर रहा है ना ऋषिराज कॉलेज से, तो ऑब्वियसली ऋषिराज कॉलेज में एक CAC वाला डिपार्टमेंट भी होगा। सो ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया, तो जरूरी नहीं आपको ये ऐड करना है, आपको बस मैं इसलिए इस चीज बता रहा हूँ ताकि आपको एक एरे और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे CAC है, ये पलाश कर रहा है प्रेस्टीज कॉलेज में से, तो प्रेस्टीज कॉलेज में भी एक CAC अवेलेबल होगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया CAC, ठीक है गाइस। तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है और ये पूरा का पूरा डाटा मेरा एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो गया, उस वेरिएबल का नाम है डाटा। ओके गाइस, सो अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, ठीक है। तो कंसोल लॉग करा मैंने और ये पूरा का पूरा डाटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि जो प्रेस्टीज कॉलेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है। मुझे ये वाली वैल्यू जो है उज्जैन, सॉरी मुझे ये ई वाली वैल्यू प्रिंट करके बताओ। तो जैसे आपके पास ये डाटा है, ठीक है, अब वो आप इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हो तो आप इसको एक्सपेंड करो और यहाँ से आप जब ट्रेवर्स कर रहे हो तो ये डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इस डाटा को कंसोल में कैसे एसेस करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ और फिर वैसे ही आपको भी करना है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो डाटा है ये सब कुछ डाटा वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद हमारा जो इंफॉर्मेशन थी ये वाली, है ना, इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो ये काई में है, इसमें है वन में, है ना। तो वो एरे है डाटा, इसलिए हमने उस एरे के अंदर वन वाली पोजिशन पे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, मतलब कि अब हमारे पास आ गया इतना, है ना। अब ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी एसेस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लगाया डॉट, ओके। अब डॉट के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किस में है, कॉलेज में है ना। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलेज, ओके। अब इंटर करा, सो मेरे पास ये पूरा आ गया। अब मेरी और इसके आगे की इंफॉर्मेशन कहीं में डिपार्टमेंट्स में, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी एसेस करने के लिए हम डॉट लगाएंगे और डिपार्टमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक एरे हुआ और एरे के अंदर 0 1 2, तो वन वाली पोजीशन पे ई है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, तो ये मेरा प्रिंट हो गया ई। ओके गाइस, सो
ये मेरे पास पूरा डाटा था जिसके अंदर एरेज और ऑब्जेक्ट्स थे, तो मेरे को उसके अंदर ट्रेवल करने के बाद मेरे को कोई सी भी प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं ऐसे गेट कर लूंगा। यहाँ पे आपको इस कंसेप्ट के थ्रू ये स्क्वायर ब्रैकेट डॉट ऑब्जेक्ट और एरे के बीच का डिफरेंस पता पड़ गया होगा। और मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, जैसे कि आपको इसकी लोकेशन, इस लोकेशन को प्रिंट करना है, तो आप उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखोगे, और आपको एक और चीज करना है, फ्रेंड्स पलक, ओके, इसको आपको शो करना है, तो ये आप करके देखिए, ठीक है गाइस। सो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ये बताया है, इसी को आप दोबारा देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें डाटा को नॉर्मलाइज कैसे करना है।